हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर हम सीखेंगे। एक बाइक है हमारे पास, हमें एक बाइक खरीदनी है। एक बाइक खरीदनी है जिसका अमाउंट है 1,234,000 रुपये। बाइक है 2,34,000 रुपये का। 1,00,000 रुपये हमें डाउन पेमेंट देना है। 1,00,000 रुपये हमें क्या देना? डाउन पेमेंट। अब हमें इसका ईएमआई कैलकुलेटर बनाना है कि जो हमारा एक्चुअल में अमाउंट बचेगा उसका कितना रुपया ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट बना लिया और इधर रख लिया। इसे डिलीट कर देते हैं बगल वाले को। अब यहाँ पे ये था हमारा एक्चुअल अमाउंट जो था बाइक का। एक्चुअल अमाउंट वो था 2,34,000 रुपये। हमने डाउन पेमेंट दे दिया 1,00,000। अब हमारा क्या था? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट हमने 1,00,000 रुपये दे दिया। अब हमारा लोन अमाउंट, लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट जो हमारा है वो लोन अमाउंट है, इनको क्या करते हैं? प्लस माइनस कर देते हैं। टोटल अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट। 1,34,000 रुपये हमारा लोन अमाउंट है। अब लोन अमाउंट है तो उस पे लगेगा क्या? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑफ रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट बाइक है तो मान लेते हैं 12%। 12% बाइक पे वैसे लगता है। तो यहां पे हम कर लेते हैं टाइम, यानी कि टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड्स यहां पे हमने ले लिया 24 मंथ, यानी कि 2 साल की किस्त बनवानी है मुझे। अब यहां पे देख लेते हैं ईएमआई, यानी कि ईएमआई कितने की बनेगी। ईएमआई अब यहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ऑन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा टाइम पीरियड्स मल्टीप्लाई 12। या तो टाइम पीरियड सिलेक्ट केवल कर लो, उसके बाद कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, उसके बाद हम सिलेक्ट कर लो लोन अमाउंट। क्या सिलेक्ट कर लो? लोन अमाउंट। और उसके बाद एंटर कर दो। 6,307 रुपये की यहां पे जाके हटा दो इसे। अगर ब्रैकेट हटाना हो तो आपको पार्ट वन में बताया था कि यहां पे इक्वल टू से पहले, बाद इक्वल टू के बाद क्या लगा दो? माइनस लगा दो। इक्वल टू के बाद अगर आप माइनस लगा दोगे तो ब्रैकेट भी हट जाए। तो 6,308 रुपये की किस्त बनेगी हर महीने की। अब यहां पे हमें ये देखना है ईएमआई के बाद कि टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा हमारा। टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो लोन अमाउंट यहां पे इक्वल टू का फॉर्मूला लगाइए और लोन अमाउंट सिलेक्ट करिए और मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, एंटर कर दीजिए। तो 16,000 आपका जो लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट जाएगा, यानी कि 1,34,000 पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो 16,080 रुपये का जाएगा। अब हमारी गाड़ी कितनी महंगी पड़ रही है वो देख लेते हैं। तो टोटल पे, टोटल पे में हम देख लेते हैं, यहां पे इक्वल टू लगाएंगे, करेंगे 1,00,000 प्लस 1,34,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, इन तीनों को प्लस कर लेंगे और एंटर कर देंगे। हमारा जो गाड़ी था 1,34,000 रुपये का, वो पड़ रहा है 2,50,080 रुपये का।
अगर ये एक्सेल कैलकुलेशन की वीडियो यानी कि ईएमआई कैलकुलेशन की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।